मैं आपका दोस्त सफीक शेख आज जा रहा हूँ आसनगांव में। एक गैस गीजर का कंप्लेन है, वो देखने के लिए कस्टमर बेचारा बहुत दिन से परेशान है। अभी मैं रास्ते में हूँ, इस जंगल में रुका हूँ, तो अभी मैं चलूँगा। अब बहुत टाइम हो गया है जंगल में, मैं जा रहा हूँ ये आसनगांव गैस गीजर बनाने के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को दिखाऊँगा गैस गीजर कैसा, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब आपको समझेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अब आसनगांव। मेरे दोस्त में आ गया गैस गीजर, अभी ये है और मैं इसको चेक करता हूँ, आप लोग लाइन पे बने रहिए। तो ये है गैस गीजर और इसका प्रॉब्लम है कि मैं अभी चेक कर चुका हूँ, इसके अंदर है ना सेल रहता है, यहाँ पे सेल रहता है, वो 2 से 2.5 महीने में खत्म हो जाता है। तो ये है ना सेल, ये सेल गया है इसका। अभी मैंने सेल डाला है और इसको मैं चालू करके देखता हूँ अभी ये स्टार्ट होता है कि नहीं, फिर अपने को मालूम पड़ेगा। ये हो गया गीजर ओके, ये गीजर आपका चालू है और ये गैस गीजर अच्छे से चलता है फिलहाल, और अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। कस्टमर कंफ्यूज हो गए थे कि मेरा गीजर खराब हो गया लगता है, तो अभी ओके है गीजर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर ऐसा कुछ भी कंप्लेंट गैस गीजर में, इलेक्ट्रिक गीजर में होता है, तो आप मुझे कमेंट में आपका कमेंट करिए, गीजर के बारे में बताइए, मैं आपको आपके कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा जो भी रहेगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।